राम राम सुबीन है। आज हम बात करेंगे अयान मुखर्जी के बारे में। एक फिल्म जो है निर्देशक हैं भारतीय है, जो कि मुखर्जी सामर्थ परिवार से हैं। अयान ने अपना निर्देशन डेब्यू मैं 26 साल की उम्र में किया था। फिल्म वेक अप सीड से। इस फिल्म का निर्माण जो करण जौहर ने किया था। अयान मुखर्जी का जन्म 15 अगस्त 1983 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। अयान के पिता बंगाली सिनेमा के एक्टर दियो मुखर्जी हैं और उनके दादाजी बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता थे। अयान जॉय मुखर्जी फिल्म एक्ट्रेस काजोल तनिषा रानी मुखर्जी के जो हैं कजिन भाई हैं। अयान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमुना बाई नर्सी स्कूल से की है। अयान ने अपनी स्नातक की पढ़ाई राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग के पहले सत्र में पढ़ाई छोड़कर फिल्म निर्देशन की दुनिया में जो है कदम रखा। स्वदेश फिल्म से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने काम किया। अयान ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सहायक निर्देशक आशुतोष गोविरकर के साथ फिल्म स्वदेश से की थी। इसके बाद उन्होंने कभी अलविदा ना कहना में भी काम किया। कुछ समय बाद अयान ने बतौर निर्देशक फिल्म वेक अप सीड से बतौर निर्देशक डेब्यू किया था। इस फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा और रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करने में भी जो है सफल रही थी। इसके बाद अयान ने कुछ सालों का ब्रेक लेकर धर्म प्रोडक्शन के तहत फिल्म जे दीवानी है दीवानी फिल्म निर्देशित की। इस फिल्म में रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य राय कपूर, कल्कि कोचलिन मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म भी जो सुपर डुपर हिट साबित हुई।